लगभग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरसंदे पंजाब चौधरी कमजमान कायरा ने पूरा दिन अवामी मरकजी ऑफिस लालामूसा में गुजारा। चौधरी कमजमान कायरा ने डेरे पर आने वाले हर शख्स से मुलाकात की, उनके साथ जो भी मिसाइल थे इन पर अमल दरामद करने के लिए यकीन दहानी करवाई। जेलम को हार से आने वाले मलक वहीद से भी मुलाकात की और चौधरी नवाज रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंडी बहावलदीन ऑफ फालिया और इनके साथ आए मेहमानों से भी मिले। चौधरी कमजमान कायरा ने जीएम न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कोई मौसमी लोग नहीं, ये अवामी मरकज है और हर वक्त अवाम के लिए खुला रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत का जज्बा चौधरी कमजमान कायरा को विरसे में मिला है। इक्तदार में हो या ना हो, अवामी खिदमत का सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहता है। डेरा कायरा के दरवाजे अहले इलाका के लिए 24 घंटे खुले हैं। अवामी खिदमत के लिए किसी इक्तदार की जरूरत नहीं। इसके बाद चौधरी कमजमान कायरा ने मेहर मोहम्मद रशीद की रहायशगाह पर इनकी तीमारदारी की। वहाँ पर मौजूद मेहर मोहम्मद एजाज, हाजी शकील अहमद कुरैशी जनरल कौंसल बद्दिया लालामूसा, इम्तियाज हुसैन, अजीज उल्लाहान, बानी चेयरमैन लालामूसा यूथ कौंसल उस्मान अजीज कादरी, मलक मुबशर सैनवान सीईओ जीएम न्यूज व दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। मेहर मोहम्मद रशीद के साथ चौधरी कमजमान कायरा ने काफी देर तक अपना वक्त गुजारा और पुरानी यादें ताज़ा की। मेहर मोहम्मद रशीद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब से आप लोग आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ। अल्लाह पाक साहब को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए।